हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाई एसपी सर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ जेपीएससी को लेकर के जो है 2400 वैकेंसी का जो एक न्यूज सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें सत्यता क्या है, वो रियल है या फेक है, इसी विषय पर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जेपीएससी जेएसएससी से संबंधित जो भी मैं वीडियो बना रहा हूं उसकी सूचना आपको मिलती रहे। तो आप जान रहे हैं कि कल के कोयलांचल के क्षेत्र से निकलने वाले एक समाचार पत्र में सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ जो जेपीएससी है वो कंबाइंड उसका नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसमें सीटों की संख्या, नियुक्तियों की, रिक्तियों की संख्या जो है 2400 का क्लेम किया गया है। अब वो मतलब कि रियल है या फेक है, तो इस संदर्भ में आपको कुछ फैक्चुअल जो फैक्ट जो डेटा है उसका अगर आप एनालिसिस कीजिएगा तो आपको सच्चाई जो है ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इसमें क्या सत्यता है। तो जैसे आप जान रहे हैं कि अभी तक जो सिक्स जेपीएससी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स तक हुआ है, तो ये सब को अगर मिला दीजिएगा, एक साथ ज्वाइंट कर दीजिएगा, क्लब कर दीजिएगा, तो ये 20 वर्षों में 2400 वैकेंसियां ही के आसपास नियुक्ति हुई होगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या एक एग्जाम में 2400 वैकेंसी जो है उसका नोटिफिकेशन जो है सरकार के द्वारा जेपीएससी के माध्यम से जारी कराया जा सकता है, तो इसकी बहुत कम संभावना लग रही है। हाँ, अगर मान लीजिए कि जेपीएससी देखिएगा कि जेपीएससी केवल संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन नहीं करता है, इसके अलावा देखिएगा वो जो है असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एग्रीकल्चर ऑफिसर या इस तरह के बहुत सारे जो गजेटेड पोस्ट होते हैं उन पदों पर भी नियुक्ति का जो है विज्ञापन जारी करके, परीक्षा का आयोजन करके नियुक्ति करता है। तो अगर सब मिला करके देखा जाए कि सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ जो जेपीएससी है इसमें देखिएगा कि 300 to 500 के बीच में सीट्स जो है वैरी करेंगे, इतना आप जान के रखिए। और फिर देखिएगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो विभिन्न विश्वविद्यालय में है उनके भी पद खाली है, तो उनका भी जो है हो सकता है कि विज्ञापन आए और उन पदों पर भी नियुक्ति की जाए जेपीएससी के द्वारा। इसके अलावा आप जानते हैं कि असिस्टेंट इंजीनियर के बहुत सारे जो पद हैं उनपे जो है प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन हुआ है, उनका मुख्य परीक्षा आयोजित होने वाला है, तो इस तरह के पदे पर भी नियुक्तियां जो है जेपीएससी करता है या उसके लिए परीक्षा का आयोजन कर रहा है। फिर इसी तरह से जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं वहां भी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, ये सब के पदों की नियुक्ति जो है जेपीएससी करता रहता है। तो अगर पूरी प्रक्रिया को मिला लिया जाए, संपूर्ण जो ग्रेजुएटेड पोस्ट है उस सब को मिला लिया जाए, तो 2400 के आसपास जो है ये सब रिक्तियां हो सकती हैं, इसकी ज्यादा संभावना है बनिस्पत की जो सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ जेपीएससी में जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जाम होने वाले हैं उसमें 2400 वैकेंसी होने की कहीं दूर दूर तक कोई संभावना इसमें नहीं है। और ये सत्यता के बहुत ही विपरीत है, क्योंकि अभी तक आप 6 जो जेपीएससी का आयोजन हुआ है पिछले 20 वर्षों में जब से झारखंड बना है, तब से इतने पदों पर नियुक्ति हुई है कि नहीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से, वो भी देखने की बात होगी। उतना आंकड़ा तो मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन लगभग उसी के आसपास हुई होगी, 2000 के अराउंड जो है हुई होगी, इससे संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब आप सोचिए कि अचानक एक वर्षों में 2400 वैकेंसी कहां से आएगी ये संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए, तो इसमें जो है ये एक तरह का फेक न्यूज ही आप मान सकते हैं, रियलिटी से बहुत दूर है। हाँ, इसमें ये सच्चाई जरूर है कि जो संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा है उसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर है या फिर जो असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट है या फिर पॉलिटेक्निक में जो असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर के पोस्ट है या फिर एग्रीकल्चर ऑफिसर है या इस तरह के अन्य जो भी गजेटेड पोस्ट है जो जेपीएससी उन परीक्षाओं का आयोजन करता है, तो उन सभी को मिलाकर के अगर 2400 वैकेंसी की बात की जाती है तो उसमें सत्यता के करीब है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ जेपीएससी का नोटिफिकेशन जो है वो नई अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद उसके आने की संभावना
अधिक हो गई है, उसमें जो भी जो आरक्षण से संबंधित जो विज्ञापन में पिछले विज्ञापन में जो त्रुटियां थी उनको दूर करने का सरकार प्रयास करके जल्दी से उसका विज्ञापन लाएगी। और अगर आप जेपीएससी की तैयारी करते हैं तो 300-500 के बीच में जो है सीटों को मान करके आप तैयारी कीजिए। और जेपीएससी के लिए देखिएगा, मैं पूरा जो है एक अलग से देखिएगा जो मेरा चैनल है उसमें आप देखिएगा कि जेपीएससी स्पेशल करके जेपीएससी या जेएसएससी झारखंड जीके या फिर जो जेपीएससी के सिलेबस में जो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, ये सब पे जो मतलब कि सिलेबस है जेपीएससी का उसके अकॉर्डिंगली देखिएगा मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसको आप सर्च करके वीडियो देख सकते हैं और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को जो है एक नई ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। तो इसलिए जो है ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार जो है जेपीएससी जीएसएससी से जो भी मतलब कि इंफॉर्मेशन होता है उसको वीडियो बना के आपके साथ शेयर करता हूं। तो चलिए इस वीडियो में इतना है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, नमस्कार।